आम के गुण जिस फल में हो वो आम का फल कहा जाता है, राम के गुण जिस व्यक्ति में हो वो राम जैसा ही कहा जाता है। याद रखना, इसलिए बहुत सी स्त्रियों को आप देवी कहते हैं, अरे ये तो देवी जैसे। बहुत सी स्त्रियों को आप कहते हैं, अरे ये चुड़ैल है पूरा। बहुत सी स्त्रियों को आप कहते हैं, अरे बहुत खतरनाक है, एटम बम से कम नहीं है, बम बम भोले और एटम बम के गोले। कितने लोग विवाह करते हैं, पत्नी लेकर आते हैं, ससुराल पहुंचते पहुंचते वो पत्नी ऐसी मतवाली हथनी बन जाती है, पूरा घर उजाड़ कर देती है, पति को भी सूंड में लपेट कर फेंकती है। बहुत हालत गंभीर है। कितने गुरु शिष्य बनाते हैं, वो शिष्य धीरे धीरे शत्रु बन जाता है, शिष्यत्व कदम शत्रुत्व उदय हो जाता है। कल संत जी गा रहे थे कि सेवा तो दूर रही, शिष्य सोच रहा है कब गुरु पे वार कर दूं। ऐसा आया कलयुग का जमाना। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दिन का, कौवा मोती खाएगा। सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाप भी नाचेगा और बेटी भी साथ में नाचेगी, ये कलयुग की पहचान। और मंदिर सोने हो जाएंगे, मदिरालय में भीड़ होगी, मधुशाला में बहुत भीड़ होगी। आप शराब की दुकान पर देखिए कितना लोग शांति से शराब खरीद रहे और प्रेम से पी रहे। इतना तो प्रेम से लोग दूध नहीं पीते, इतनी शांति से चाय भी नहीं पीते। ऐसा लगता है कि अमृत यही है। जहर को लोगों ने अमृत मान लिया, होश में लोग रहना नहीं चाहते, बेहोश रहते। सत्संग में कोई सोना मत, ये निवेदन है। यहाँ नींद मत लेना, क्योंकि देखिए आप सोएंगे तो हमको भी नींद आने लगेगी, और हम सो जाएंगे तो फिर प्रवचन कौन करेगा, और तुम सो जाओगे तो प्रवचन सुनेगा कौन। सोने के लिए बेडरूम, सोने के लिए घर, सोने के लिए खेत की मेड़। सत्संग में सोना नहीं, यहाँ ज्यादा खतरा है, नींद का खतरा है, क्योंकि ठाट बाट की कुर्सियां लगी है, सोफा लगे हुए हैं, ऐसे टेक लगा दिया, गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे प्रवचन करने वाले दाएं बाएं जेब में पड़े रहते हैं। अपना सो रहे, घुर्राटे मार रहे हैं, नहीं नहीं, बहुत सो चुके हो, अब न सोना। यानिसा जागृति संयमी, सानिसा पश्यतो मुने, संतो जागत नींद न कीजिए। कबीर कहते हैं संतो जागो, नींद मत लो। माया की नींद में बहुत सो चुके हो, मोह की नींद में भी सो चुके हो, वासना की नींद में सोते सोते मृत्यु तक हो जाती है, नशा की नींद में भी सोए हो, जागो। समय का सदुपयोग करने के लिए जागो, जवानी का सदुपयोग करने के लिए जागो, धन का सदुपयोग करने के लिए जागो, बुद्धि का सदुपयोग करने के लिए जागो, इस वाणी का सदुपयोग करने के लिए जागो, अपने सुंदर चरित्र की रक्षा के लिए भी जागो। याद रखना, जिनका चरित्र संभल जाता है उनके चित्र का भी सम्मान शुरू हो जाता है, और जिनका चरित्र गिर जाता है उनके चित्र को भी देखना कोई नहीं चाहता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए चरित्र एक दौलत, गुरु एक दौलत है, तुम्हारी पत्नी एक संपत्ति है, पति एक दौलत है, बेटा बेटी भी दौलत है,
माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, थोड़ा धन खो जाए बहुत चिंता मत करना, लेकिन माँ बाप खो गए तो चिंता की जरूरत है। आपने बहू खो दिया, बेटे को खो दिया, भाई को खो दिया, बेईमानी करके बैठ गए, बहुत घाटे का सौदा है। रिश्तों की भी रक्षा करो, और कोई भी रिश्ता सहनशीलता से सुरक्षित होता है, गम खाने से सुरक्षित होता है, फालतू बातें करने से, निंदा बुराई करने से, चुगली चाई करने से, बकवास करने से, प्रपंच करने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, प्रेम कमजोर हो जाता है। इसलिए वाणी पर संयम रखो, ज्यादा बोला मत करो, फालतू मुंह खोला मत करो, सोच समझ के बोलो। कबीर साहब कहते हैं, बुलन का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व न साई, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा, मिलही संत बचन दुई कहिए, मूर्ख मिलही मौन हुई रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए जग मारी। बहुत बड़ी बात है, पूरा होई विचार ले बोले, कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले। जो लोग पूर्ण है वो विचार पूर्वक बोलते हैं, जो अधूरे हैं अध कचरे हैं वे लोग बिना विचार के किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं, उनको बोलना है विचार करना ही है। मेरे पास में एक भक्त आया, बोला कि गुरुदेव आपका प्रोग्राम कराना चाहता हूँ, कितना खर्चा आता है? तो मैं मुस्करा दिया, क्योंकि रुपया उपिया मैं बताता नहीं, लेकिन बहुत पीछे पड़ गया। हमने कहा प्रबंधक से मिल लो। बोले प्रबंधक क्या आप ही बता दो। हमने कहा उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम यदि है, मैं तो अपने लिए कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मांगता ही नहीं हूँ, मुझसे सस्ता संत कोई है भी नहीं। तो बोले फिर, तो हमने कहा जो सत्संग की व्यवस्था है, ये पंडाल है, साउंड सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, जनरेटर है, 20-25 कर्मचारी हैं, 5 ट्रक है, 5 गाड़ी संतों के लिए है, भोजन बनाने के बर्तन है, बर्तन का कर्मचारी है, और प्रचार वाहन है, बस इसका ही खर्च देना होता है। तो उसने पूछा भाई क्या खर्च लगता है? इतना ही कुर्सी उर्सी चेयर वेयर और बड़े ठाट बाट VIP व्यवस्था देखकर थोड़ा डर लगता है, कुरुचि कितना आता है? तो हमने कहा तुमको क्या आइडिया लगता है, अपना आइडिया बताओ। बोले मुझे लगता है कि मैंने दूसरों से सुना है, दूर दूर से तो बता रहे हैं 5-10 लाख का खर्चा आता है। हमने कहा झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरियो। अरे 5 लाख झूठा कौन बोला? अरे 2-4 लोगों से सुना हमने कि झूठा है, तो फिर कितना आता है? तो मैंने कहा अगर आश्रम से 200 किलोमीटर के अंदर कार्यक्रम है तो मात्र
1.5 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख टोटल। और आश्रम से अगर 250 का है किलोमीटर तो 10,000 और बढ़ जाएगा, आश्रम से 300-400 किलोमीटर है तो 10,000 और बढ़ेगा, 500 किलोमीटर तो 10,000 और बढ़ेगा, 600-800 किलोमीटर दूर तो 10-15,000 और बढ़ेगा, डीजल का ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो बोले तब तो बहुत सस्ता है, तो हमने कहा सस्ता है बुक करा दो ना। बोले तुरंत लिखो आप, ये पकड़ो रुपया 1.5 लाख। तो हमने कहा अरे लेकर ही आए थे। बोले हम तो 5 लाख 10 लाख के डर से नाम नहीं ले रहे थे, अब ये 1.5-2 लाख में कार्यक्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था, कितना व्यवस्था लंबी है। ये जमीन केवल यहाँ की है और ये सारा सिस्टम हमारे साथ में आया है। देखो क्या जमीन केवल यहाँ की, ये पूरा साथ में आया और यही सिस्टम उठ करके बांदी कोई जाएगा, यही सिस्टम उठ करके जिला 12 अंता जाएगा और यही उठ करके उज्जैन जाएगा। हम बाद को पहुँचते, ये रातों रात पहुँचता है। ऐसा अभी मैं प्रवचन खत्म करूँगा, कल 4 घंटे में ये खोलकर लदकर चला जाएगा। ये हमारे मैनेजर साहब हैं, देखो ना ये मैनेजर हैं, और कहाँ मैनेजर तुम्हारे, अंदर, वो सब अंदर रहते हैं, अंदर ही सुंदर, बाहर की हवा खाते ही नहीं। जिस गांव में आश्रम है नेपाल बॉर्डर पर, उस गांव का ये बच्चा है, बड़ा वफादार बच्चा है, बहुत प्रेमी है, और पूरे गांव को हम लोग बहुत प्रेम रखते हैं, पर हम जाते किसी के घर नहीं ना, क्योंकि जाओगे तो बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं कि उनके घर गए हमारे घर नहीं आए, उनके घर 2 बार क्यों गए, क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, क्या सेक्शन है, क्या इलेक्शन है कि तो उस पचड़े से बचने के लिए किसी के यहाँ जाता नहीं। जो पदरौनी करे, प्रोग्राम करे, उसी के यहाँ जाऊँगा। तो याद रखना ये बहुत सस्ता है, जैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और पोस्टर जो चिपके हुए आपने देखा है, मैंने उनको बताया पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग, अनाउंस सब मेरे यहाँ से आएगा। आप पोस्टर देखे होंगे दीवार में मोटा मोटा लिखा काली खाड़, लिखा मोटा मोटा लिखा सुखद प्रवचन, ये स्पेशल प्रेस है हमारे भक्त की, वो कैसे सस्ता वो भी छापता है। दूसरी जगह ये भी महंगा है, जो 10-12 रुपये स्क्वायर फीट का काम है वो भक्त हमारा मात्र 7 रुपये में करता है। प्रतापगढ़ वालों ने खुद बनवाया, वो 12 रुपये में करवाया, वहाँ से गया 7 रुपये, 5 रुपये बचा, उन्होंने 2,000 स्क्वायर फीट का काम कराया, 2×5=10, 10,000 फादिल दिया उन्होंने। तो हमने कहा जय हो, क्यों दिया, बोले हमको ज्ञान नहीं था। तो हमने कहा उसके लिए तो हम है ना ज्ञान ही दे रहे, और वो प्रेस वाले क्यों करवाते हैं सस्ता, ब्राह्मण है वे, अखिलेश दीक्षित नाम है, 17 साल शादी हुए हुआ था, कोई पुत्र नहीं हुआ था, और जब मेरा पोस्टर छापा और चरण छुआ तो सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, तो मेरे में प्रॉफिट खत्म कर दिया। बोले रेट टू रेट रहेगा और हर साल 1 लाख दान रहेगा, प्रेस वाला 1 लाख हर साल देता, हमारे लिए स्वेटर भेजा, हमारे लिए रजाई भेजा, हमारे लिए सब सामान भेजा, संतों के लिए स्वेटर इनर भेजा। बोला हम लुटा देंगे आप पर, हमने कहा हम पूरा लूट लेंगे आपको। भेज दिया। बोला गुरुजी सबसे कमजोर थे, 3 जिलों में पहला नंबर है जब से आपके चरण पड़े। मैंने कहा 3 जिले, 6 जिले में पहला नंबर होगा आपकी प्रेस का, कोई टक्कर ले ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु की सेवा, गुरु का ध्यान और गुरु के लिए दान जो भी करता है वो सबसे अधिक बड़ा बनता है धनवान, बनता है महान, बनता है बुद्धिमान और चरित्रवान। राम ने गुरु की सेवा किया था, वो भगवान बन गए,
कृष्ण ने गुरु की सेवा किया था वो भी भगवान बन गए, और हनुमान ने संतों की सेवा किया वो वीर हनुमान बन गए। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों की सेवा करते थे हनुमान जी, असुरों का नाश करते थे, रावण संतों को मारता था और राक्षसों की सेवा करता था, इसलिए राम ने रावण को मार दिया। याद रखना हनुमान जी भी संतों के सेवक थे। संतों की जो सेवा करता है संयम नियम की जिंदगी उसको मिलती है, चंचल मन पर कंट्रोल हो जाता है। अरे क्या बात करते हो, संत की सेवा और गुरु की सेवा किस्मत वालों को मिलती है। और कोई भी आज तक गुरु की सेवा करके निर्धन नहीं हुआ, गरीब नहीं हुआ। जिसने जिसने सेवा किया है वो धनवान भी बना, महान भी बना, और उसका मकान भी बना, और सब टाप का काम हो गया, और गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब कंप्लीट। इसलिए गुरु की सेवा से कभी भी न तुम परेशान होगे न नुकसान होगा, गुरु की सेवा से शान की जिंदगी जियोगे। करके तो देखो। अभी हमारे पास में दिल्ली से भक्त आए, राजेश खड़े हो, उनकी पत्नी रीना प्रजापति, पुत्र आदर्श, पुत्री नम्रता, ग्राम काजी है अभिलाषपुर, पोस्ट भोड़ा अनई जौनपुर, जिला उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, दिल्ली में बिजनेस करते हैं। वो खड़े हैं, निकल के बाहर आ जाओ मैदान में, कुश्ती होगी एक एक। गुरुजी के लिए इनकी पत्नी ने लिखा है, विनती है गुरुदेव आपके लिए अखरोट भेज रहे हैं 1.5-2 किलो। मैं अखरोट रोज शाम को भिगा के सुबह खाता हूँ, इसीलिए बुद्धि प्रखर है, और तुम खाओगे बुद्धि खत्म हो जाएगी, मेरी बराबरी मत करना। और एक दर्पण भेजा है कि पगड़ी बांधते समय आप दर्पण देखते हो, और एक जोड़ी पाँव में पहनने वाले सूज भेजा है, अभी वही पहना था व्हाइट। गुरु चरणों में स्वीकार करना, देरी से प्राप्त होने पर क्षमा मांगना, थोड़ा देर हो गई, जल्दी लाना था हमको आपके पास में, दिल्ली से लेकर आए। ये खड़े हैं, इनकी हंसी देख लो, हंसी देख लो, खुशी देख लो, धन्य हो, बैठो। तो ये प्रोग्राम कोई कठिन नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अरे बहुत खर्चा आता है, सब खेत जमीन बिक नहीं जाएगी और खरीदेगा हमारा भगत। हाँ, ये राम भोल मीणा आज में राउंड में निकला, छाबेड़ा था क्या था, छारेड़ा से बताया ये 2 दुकान है, तो हमने कहा और दुकान बनाना है, मैं आशीर्वाद दूंगा खड़ी हो जाएगी। गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से हनुमान जब पूजनी बन सकते हैं, तो संतों की कृपा से भक्त निर्धन कैसे होगा, धनवान बनेगा, महान बनेगा। कोई भी प्रोग्राम करा सकता है, कोई भी। 99% मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, सेटलमेंट, एडजस्टमेंट सब मेरे जिम्मे है टोटल। आप तो नए कपड़े पहनकर घूमिए, आप सोचते रहिए क्या करना, कुछ करना नहीं, बस सुनो सत्संग, करना क्या कुछ नहीं, बस गुरु से प्रेम करो,